हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत है सभी का आप हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। सो गाइस, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है, ये वही आपका इंडियन हिस्ट्री 1001 लाइनर क्वेश्चन सीरीज का पार्ट टू है। आप इस वीडियो की PDF मैंने वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अब डायरेक्ट मेरी गूगल ड्राइव का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। तो मेरे जितने अभी तक GS के लेक्चर हुए हैं, वो सभी मैंने PDF की फॉर्म में उस गूगल ड्राइव के लिंक में आपको दे दिए गए हैं। आपको सिर्फ उस गूगल ड्राइव पे लिंक पे क्लिक कर डाउनलोड करने हैं। और आगे भी जितने आपके लेक्चर्स होंगे GS के, जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा, अभी मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है, मतलब कि नेक्स्ट जो GS का लेक्चर है, वो है मेरा 1000 आपके इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वो 1000 क्वेश्चन की मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो भी आधी तैयार हो गई है। तो आपका इतने में, जबकि आपको पता है कि आपका जो CGL का एग्ज़ाम है वो मार्च या अप्रैल में होने वाला है, तो तब तक मैं आपके जितने भी आपके टॉपिक हैं सबके 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तब तक मैं आपके सारे कवर करवा दूंगा। तो इसलिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, GS के ही नहीं बल्कि आपके मैथ के ट्रिक, बहुत बढ़िया ट्रिक, जो कि आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा कम कर देंगे एग्ज़ाम के अंदर, खासकर SSC CGL और IBPS एग्ज़ाम के अंदर, प्लस रीजनिंग के ट्रिक। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री के 1000 सीरीज के 1 लाइनर क्वेश्चन पार्ट टू। देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, ये जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी जो पार्ट वन था उस पे यहाँ ये क्वेश्चन खत्म हुआ था, लास्ट क्वेश्चन था ये उस वीडियो का। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आपको पता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वो थे लॉर्ड विलियम बेनेटिक। आपको पता है कि लॉर्ड विलियम बेनेटिक सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे, बाद में 1833 के एक्ट के पास हो जाने के बाद उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज वार स्टार्टेड बाय, तो आर्य समाज किसने स्थापित किया था? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेशन ऑफ हंटर्स कमीशन, तो हंटर कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? वुमेन्स एजुकेशन। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश इंपेरियलिज्म वाज प्रपाउंडेड बाय, मतलब कि ब्रिटिश राज में ड्रेनेज ऑफ भारत का जो पैसा बाहर जा रहा था उसकी थ्योरी किसने दी थी? तो ये दी थी दादा भाई नौरोजी ने। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज इन्वॉल्व इन द अलीपोर बम केस, तो अलीपोर बम केस में जो सम्मिलित थे वो थे जतिन दास। गांधी जी वॉन्टेड दैट द स्टूडेंट शुड स्पेंड देयर वेकेशन इन, तो गांधी जी का मानना था कि जो विद्यार्थी होते हैं उन्होंने अपना छुट्टियां होती हैं जो सोशल कार्यों में खर्च करनी चाहिए, तो सोशल सर्विस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपहेवल टुक प्लेस इन बंगाल इमीडिएटली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो बंगाल में हुआ था इंडिगो डिस्टर्बेंस, आपको पता है इंडिगो डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट है आपका, द टाइटल पंजाब केसरी वॉज कन्फर्ड ऑन, आपको पता है पंजाब केसरी किसे कहा जाता था? लाला लाजपत राय को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, आपको पता है कि भारत का संविधान सबसे पहले 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कॉल्ड एज फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस, तो फादर ऑफ इंडियन रिनाइसेंस कहा जाता है राजा राम मोहन रॉय को। मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इन, तो पहली बार मुस्लिम लीग ने कब डिमांड रखी थी इंडिया के पार्टीशन की? वो रखी थी सन 1940 के अंदर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द हीरोइन ऑफ 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट, तो आपको पता है हीरो तो श्री महात्मा गांधी जी थे, तो हीरोइन कौन थी उस 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट की? तो वो थी अरुणा असफ अली। द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश क्राउन
अंडर आपको पता है कि सन 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पर अधिकार था उसका ट्रांसफर किसको कर दिया गया था? ब्रिटिश क्राउन को। द लीडर ऑफ द यंग बंगाल मूवमेंट वॉज हेनरी विवियन डिओर्जियो। वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग एट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। तो वंदे मातरम सबसे पहले भारतीय नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन में गाया गया था? वो था आपका 1896 का। द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज नोन एज। मतलब कि जो ऑफिसर्स होते थे गुप्ता पीरियड में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी सेफ कस्टडी ऑफ लैंड रिकॉर्ड की, तो उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था करनिका। वेयर इज द इंडस सिविलाइजेशन सिटी लोथल। तो आपका जो लोथल है इंडस सिविलाइजेशन का शहर, वो पड़ता है आपका गुजरात में। हु वॉज द ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट ऑफ महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के बिलोंग करने वाले ग्रेटेस्ट भक्ति पोएट थे आपके नाम देवा। एज अ प्रिंस वेयर वॉज अशोका सेंट टू सप्रेस द रिवोल्ट। सो अशोका को कहाँ भेजा गया था? कलिंग रिवोल्ट को दबाने के लिए। द फेमस बुक गीत गोविंद वॉज रिटन बाय। सो फेमस बुक गीत गोविंद वॉज रिटन बाय जयदेव। पाइनिनी द फर्स्ट ग्रामेरियन ऑफ संस्कृत लैंग्वेज इन इंडिया लिव्ड ड्यूरिंग द रेन। तो आपको पता है पाइनिनी ने क्या लिखा था? हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो ये 5th से 6th century तक इनका कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट आपका द टेम्पल ऑफ खजुराहो वर बिल्ट बाय। सो खजुराहो के टेम्पल किसने बनाए थे? चोलाज ने। द दिल्ली जर्नल हु सक्सेसफुली एडवांस्ड अप टू मदुराई। मतलब कि दिल्ली का कौन सा जर्नल था जो मदुराई तक लड़ता लड़ता मदुराई तक पहुंच गया था? तो वो था मलिक कौफर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज फेवर्ड बाय नेहरू बट नॉट फेवर्ड बाय गांधी। मतलब कि ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसमें नेहरू तो फेवर में थे बट गांधी जी उसके फेवर में नहीं थे? तो वो था आपका हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट है आपका द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद इंडिया वॉज फर्स्ट यूज बाय। तो सबसे पहले हिंदू वर्ड है जो आपका किसने यूज किया था? वो किया था द अरब्स ने। द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रेफर टू इन हिज इंस्क्रिप्शन। तो आपको पता है अशोका का दूसरा नाम क्या था? देव नमन प्रियदर्शी। द रिवर मोस्ट मैंशन इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। तो ऐसी कौन सी रिवर है जिसके बारे में अर्ली वैदिक लिटरेचर में बहुत मैंशन किया है? तो वो है आपकी सिंधु नदी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट ऑफ एंशियंट इंडिया वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट हुआ है। तो वो है आपकी खरोष्ठी लिपि को राइट से लेफ्ट में लिखा जाता था। द सिल्वर कॉइन इशूड बाय गुप्ताज वर कॉल्ड। दो गुप्ताज काल में जो सिल्वर कॉइन इशू किए गए थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था रूपका। आर्यन वर ओरिजिनली इनहेबिटेंट ऑफ। आपको पता है कि आर्यन ओरिजिनली कहाँ के निवासी थे? तो वो थे आपके सेंट्रल एशिया अराउंड द कैस्पियन सी। द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वर। तो मतलब कि मेन सोर्स था जो उनका आजीविका का साधन क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल के लोगों का? तो वो था कृषि और व्यापार। इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रॉस्पर्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी नदी के किनारे स्थित थी? वो थी आपकी इंडस नदी के किनारे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीडर डाइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंजुरी सस्टेन ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट साइमन कमीशन। मतलब कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए प्रोटेस्ट में कौन सा जो स्वतंत्रता सेनानी था वो शहीद हो गया था? तो आपको पता है कि लाला लाजपत राय को बहुत बुरी तरह से पीटा गया था जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है आपका द विच टू विच पर्सनैलिटी गांधी जी गेव द टाइटल दीन बंधु। तो जो गांधी जी ने दीन बंधु का टाइटल किसे दिया था? तो वो थे सी एफ एंड्रयूज।
हु फाउंडेड दी ऑल इंडिया हरिजन समाज इन 1932। तो हरिजन समाज की स्थापना किसने की थी, वो की थी आपकी महात्मा गांधी जी ने। इन 1930 महात्मा गांधी स्टार्टेड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फॉर्म। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की जो शुरू हुआ था वो कहाँ से किया था 1930 में, वो किया था आपका साबरमती आश्रम से। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर। तो आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था जो लंदन में, उसमें पार्ट लिया था। कब लिया था, जब गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट हुआ था सन 1931 में। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था जो कि 1932 में हुई थी। माई स्ट्रॉन्गेस्ट बलवर्क इज गॉन लेमेंटेड गांधी जी ऑन द डेथ ऑफ। मतलब कि किसके बारे में गांधी जी ने ये कहा था दुखी होकर कि माई स्ट्रॉन्गेस्ट बलवर्क इज गॉन, तो वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। When was the first Independence Day unofficially celebrated before Independence? मतलब कि unofficially रूप से पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब बनाया गया था आपका, वो बनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। In what session did Congress declared complete Independence? मतलब कि कौन से सेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, तो वो था आपका लाहौर सेशन जो कि सन 1929 में हुआ था। द स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो स्वराज पार्टी की स्थापना की थी सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस इन द कांग्रेस सेशन हेल्ड एट लाहौर अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ। जब पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस के द्वारा, तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय जवाहरलाल नेहरू। हु वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर। तो कानपुर में जो 1857 की क्रांति की लड़ाई को लीड कर रहे थे वो थे नाना साहेब। हु स्टार्टेड कूका मूवमेंट इन 1840। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कूका मूवमेंट की शुरुआत आपकी की थी गुरु राम सिंह जी ने। हु इस्टेब्लिश्ड तत्वा बोधनी सभा की स्थापना किसने की थी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। मार्को पोलो हु ट्रेवल्ड इंडिया ड्यूरिंग दी 1298 से 1292 एडी फ्रॉम इटली ड्यूरिंग हूज रेन डिड ही कम, तो वो किसके शासनकाल में आया था, वो आया था पांड्याज के शासनकाल में। मुल्क ए कदीम वॉज अदर नेम ऑफ विच किंगडम। मतलब कि मुल्क ए कदीम ऐसे कौन से दूसरे शासन का नाम था, तो वो था आपका मराठा किंगडम को मुल्क ए कदीम भी कहा जाता था। हु वॉज द लीडर ऑफ द जाट रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब, तो वो थे गोकुल। मंसूर वॉज अ ग्रेट पेंटर इन हूज रेन इन द मुगल एरा, तो मंसूर वॉज अ ग्रेट पेंटर इन द एरा ऑफ जहांगीर। तो आपको पता है कि जहांगीर के काल में जो पेंटिंग थी वो अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी। हु वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट दिन ए इलाही स्टार्टेड बाय अकबर, तो दिन ए इलाही को सबसे पहले मानने वाले थे बीरबल। द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज फाउंड एट विच प्लेस, तो वो मिली थी आपकी मोहनजोदड़ो से। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन, तो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई सन 1947, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इंट्रोड्यूस द कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। द बुक अंडू दिस लॉस्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी वॉज ऑथर्ड बाय, तो मतलब कि अंडू दिस लॉस्ट बुक किसने लिखी थी, ये लिखी थी आपकी जॉन रस्किन ने। वेयर एंड वेन वॉज द गदर पार्टी फाउंडेड, तो गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में सन 1900
सॉरी ये क्वेश्चन कोई नहीं, मैं आपको जो आपकी पीडीएफ होगी उस क्वेश्चन में इसको करेक्ट कर दूंगा। द इंग्लिश इंट्रोड्यूस रायतवाड़ी सेटलमेंट इन, तो रायतवाड़ी सेटलमेंट की स्थापना कौन से एरिया में की गई थी इंग्लिश ब्रिटिशर्सों के द्वारा, तो ये की गई थी आपकी मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया एस्टेब्लिश, भारत की पहली कॉटन मिल कहाँ पर स्थापित की गई थी, ये स्थापित की गई थी आपकी मुंबई में। मुगल पेंटिंग फ्लरिश ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो मुगल पेंटिंग अपने चरम सीमा पर पहुंच गई थी किसके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। द लोधी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है आपके स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, तो लोधी डायनेस्टी के फाउंडर थे आपके बहलोल लोधी। द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड आर्या, तो आर्या का लिटरल मीनिंग क्या होता है, सुपीरियर। नेक्स्ट है आपका द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विद, इंडस वैली पीपल के जो लोग थे किनके साथ ट्रेड करते थे, वो ट्रेड करते थे पार्टिसंस के साथ। When was the first passenger train run in India? So भारत की पहली passenger train सन 1853 अप्रैल में। Who got constructed Grand Trunk Road? Grand Trunk Road most मतलब बहुत पुराना क्वेश्चन आप सभी को पता है, तो काफ़ी छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं आपका, शेरशाह सूरी जी ने बनवाया था। Who is known as the lady with the lamp? ये भी most important question है आपका, तो lady with lamp आपका कहा जाता है Florence Nightingale। The battle that led to the foundation of Muslim power in India, मतलब ये ऐसी कौन सी लड़ाई थी जिसने भारत में मुस्लिम पावर की नींव रखी थी, तो वो लड़ाई थी आपकी सेकेंड बैटल ऑफ ताइरेन। ताइरेन का दूसरा युद्ध हुआ था आपका 1192 ईस्वी में। द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, द डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स वॉज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ, आप सभी को ये तो पता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स की नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी ने शुरू की थी, तो बट उस नीति के अनुसार जो सबसे पहला राज्य मिलाया गया था उस नीति के अनुसार वो कौन सा राज्य था, वो था आपका सतारा। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अजंता पेंटिंग परटेन्स टू, मतलब कि जो अजंता पेंटिंग से आपके किसके किससे संबंधित है, तो आपकी जो अजंता पेंटिंग है वो बुद्धिज्म से संबंधित है। मोहम्मद बिन कासिम कंक्वर्ड सिंध इन द ईयर, सो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कौन से ईयर में जीत लिया था, तो वो था आपका 712 एडी में। शाहजहां बिल्ट द मोती मस्जिद एट, शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहां पर करवाया था, ये करवाया था आपका आगरा के अंदर। द वर्ल्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया वर्ल्ड टेकन फ्रॉम, आपको पता है कि जो सत्यमेव जयते वर्ड है वो लिया गया है उपनिषद से। विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका, तो पोस्टेज स्टैम्प को फर्स्ट टाइम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था लॉर्ड डलहौजी ने। हु अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज्म इज बिलीव टू बी द नेक्स्ट इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध, तो ये माना जाता है बुद्धिस्ट के द्वारा मैत्रेया को। हु वॉज द आर्किटेक्ट हु डिजाइन द ताजमहल, आप सभी को पता है कि जो ताजमहल के आर्किटेक्ट थे वो कौन थे, उस्ताद ईसा। द साका एरा कमेंसिंग फ्रॉम एडी 78 वॉज फाउंडेड बाय, तो साका एरा की शुरुआत किसने की थी, वो की थी आपके कनिष्क ने। वेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड रूलिंग इंडिया डायरेक्टली, तो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या था, जो ब्रिटिश थे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने डायरेक्टली इंडिया पर हुकूमत करना शुरू कर दिया था। द होम रूल लीग मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, होम रूल लीग मूवमेंट आपको पता है कि एनी बेसेंट ने भी शुरू किया था, और उसके बाद किसका नाम आता है, बाल गंगाधर तिलक का। द कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वॉज बिल्ट बाय, जो चित्तौड़ में विजय टावर है उसे किसने बनवाया था, राणा खुम्बा ने। Where did Lord Buddha breath his last? मतलब कि Lord Buddha कहाँ पर अपनी आखिरी सांस ली थी, वो था आपका कुशीनगर में। Who built the Khajuraho temple? खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, चंदेलाज राजपूत ने। The Great Silk Route to the Indians was opened by, तो Great Silk Route किसने ओपन किया था, कनिष्क ने।
द फादर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया। तो एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट के फादर किसे माना जाता है इंडिया के अंदर, वो थे आपके बाल गंगाधर तिलक। परमानेंट रिवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो बंगाल के अंदर परमानेंट सेटलमेंट शुरुआत किसने की थी, वो की थी आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक्स द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन। तो आपको पता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले हंगर स्ट्राइक का यूज किया था एज अ नॉन वायलेंस वेपन। हु लेट द साल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। तो साल्ट सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू भी थी। सती वाज प्रोहिबिटेड बाय, आपको बताया कि जो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेनेटिक ने किया था। विच रूलर बिल्ट दी एलोरा टेम्पल, सो एलोरा टेम्पल का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटा ने। द पोटैटो क्रॉप इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस बाय, तो पोटैटो क्रॉप इंडिया में जो लाई गई थी किसके द्वारा लाई गई थी, वो थे आपके पुर्तगालीज। बारदोली सत्याग्रह इज एसोसिएटेड विद, बारदोली सत्याग्रह आपका किससे रिलेटेड है, वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल से। द सेकेंड बैटल ऑफ द पानीपत वॉज फोर्ट बिटवीन, द पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, वो हुई थी आपकी अकबर एंड हेमू के बीच में, कब, 5 नवंबर 1556 में। द सिख गुरु हु रोट द जाफरनामा, जाफरनामा किसके द्वारा लिखा गया था पर्शियन में, पर्शियन लैंग्वेज में, तो गुरु गोबिंद सिंह ने। द मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन फॉर अ सेपरेट नेशन इन द ईयर, तो मुस्लिमों द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा अलग से रेजोल्यूशन अडॉप्टेड रेजोल्यूशन फॉर अ सेपरेट नेशन कौन से ईयर में, वो था आपका सन 1940 में। विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिंबिसारा टू असेंड द थ्रोन, आपको पता है अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसारा का कत्ल करके राजगद्दी पर बैठा था। द मैन बिहाइंड द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, ये आपको पता है जॉर्ज क्लार्क। विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग स्टॉप द हम्स फ्रॉम द इन्वेडिंग इंडिया, तो हम्स का अटैक इंडिया में किसने रोका था, तो वो थे आपके स्कंद गुप्ता ने। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, तो सिटी आगरा के फाउंडर कौन थे, सिकंदर लोदी। अ ग्रेट एस्ट्रोनोमर एंड द मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वॉज, तो वो कौन थे, आर्यभट्ट। टू टेक केयर ऑफ द कॉन्क्वर्ड लैंड मोहम्मद गोरी लेफ्ट बिहाइंड इज ट्रस्टेड जनरल इन इंडिया, तो मोहम्मद गोरी पीछे किसको छोड़ गया था, उसका राज्य संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को, अजीब सा नाम है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ, तो आपको पता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो लॉर्ड डफरिन के काल में स्थापित की गई थी, और लॉर्ड डफरिन ही वॉज अपॉइंटेड द वायसराय ऑफ इंडिया इन 1884, और उसने लॉर्ड रिपन की जगह ली थी। द सिख गुरु हु रोट द गुरु नानक बायोग्राफी, तो गुरु नानक जी की बायोग्राफी कौन से सिख गुरु ने लिखी थी, वो थे गुरु अंगद देव। द कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932 गेव सेपरेट रिप्रेजेंटेशन टू, तो ये थे आपके हरिजंस। अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ द पोरस कैंप्ड अपोजिट बैंक्स ऑफ दिस रिवर, तो मतलब ये अलेक्जेंडर एंड द आर्मी ऑफ पोरस कौन से नदी के किनारे, झेलम नदी के किनारे। हु अमंग द फॉलोइंग वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया, तो अफगान्स वर द फर्स्ट हु इन्वेडेड इंडिया। चंद बीबी द फेमस मुस्लिम रूलर बिलोंग टू विच किंगडम, तो चांद बीबी बिलोंग टू अहमदनगर। सुभाष चंद्र बोस सेट अप द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर ऑफ फ्री इंडिया इन, सो इन सिंगापुर। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज, तो दिल्ली सल्तनत की कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी, वो थी पर्शियन। त्रिपिटका, त्रिपिटका इज द रिलीजियस बुक ऑफ, तो आपको पता है त्रिपिटका इज अ रिलीजियस बुक ऑफ बुद्धिज्म। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन न्यूज पेपर दैट वॉज प्रिंटेड, आपको पता है बंगाल गैजेट, जो कि जेम्स हिक्की द्वारा प्रिंट किया गया था। हु रिसीव्ड द थियोसोफिकल सोसाइटी, सॉरी हु रिवाइव्ड द थियोसोफिकल सोसाइटी, तो एनी बेसेंट। हु वॉज द पायनियर ऑफ द वेस्टर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन इंडिया, भारत में पश्चिम शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, जिसने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, वो थे राजा राम मोहन राय। रजिया सुल्तान द फर्स्ट वूमेन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान, सो शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश।
नेम द किंग हु इन्वेडेड दिल्ली एंड प्लंडर द कोहिनूर डायमंड्स। सो नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करके वहां से कोहिनूर हीरे को लूट कर ले गया था। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो, ये सभी को पता है, मोस्ट रिपीटेड टाइप क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस। द लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया इज ड्राइव्ड फ्रॉम, सो इंडिया कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है वर्ड, तो है आपका पर्शियन से। वेयर वॉज द बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड, सो बड़ा इमामबाड़ा है आपका लखनऊ के अंदर। वट वॉज द एज ऑफ अकबर एट द टाइम ऑफ हिज कॉर्नेशन एट कलानोर, सो कलानोर में जब उसका राज्याभिषेक किया गया था उस समय अकबर की उम्र कितनी थी, वो थी 13 साल। हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, सो 1911 में कैलकाटा से दिल्ली जो कैपिटल शिफ्ट की गई थी वो की थी लॉर्ड हार्डिंग ने। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड अ सेशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वॉज, तो आप सभी को पता है पहली महिला इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड अ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज सरोजनी नायडू। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने वापस क्यों ले लिया था, क्योंकि चोरा चोरी की घटना के कारण। हु अमंग द फॉलोइंग रूरल अबोलिश्ड जजिया, तो जजिया कर को किसने समाप्त किया था, अकबर ने। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, दादा भाई नरोजी। हु वॉज अकबर फेमस रिवेन्यू मिनिस्टर, सो अकबर का रिवेन्यू मिनिस्टर कौन था, टोडरमल। द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, सो बैटल ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट बिटवीन सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, आप ये कह सकते हैं सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिशर्स। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कंसेप्ट सर्वोदया, तो सर्वोदया के फाउंडर कौन थे, महात्मा गांधी। हाई कोर्ट्स वर एस्टेब्लिश्ड इन कैलकटा बॉम्बे एंड मद्रास इन, कौन से ईयर में हुई थी, ये हुई थी आपकी 1861 में। बाल गंगा तिलक वॉज गिवन द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग होम रूल मूवमेंट में, जो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। आफ्टर लिविंग द कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस फॉर्मड इन 1939 हिज ओवन पार्टी नेम, तो कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी 1939 में खुद की पार्टी बनाई थी, उसका नाम क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉक। द प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज अ पार्टीशन इन टू टू पार्ट इन 1905 वाई, आपको पता है बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। वेन वॉज द गांधी जी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942, सो 9 अगस्त 1942 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। विच डे वॉज डिक्लेयर्ड एज द डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग, सो मुस्लिम लीग के द्वारा कौन से दिन को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया गया था, वो था 16 अगस्त 1946 को। Which of the following was the founder of the House of Peshawar? So, House of Peshawar के founder हैं बालाजी विश्वनाथ। Who has authored the book The Kingdom of God is Within You? तो इस book के author हैं Leo Tolstoy। Humayun had to run away from India after he was defeated in the battle of, आपको पता है Humayun India छोड़कर भाग गया था, कौन सी लड़ाई के बाद, तो आपकी कन्नौज के युद्ध के बाद। सो थैंक यू गाइज, ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी आपके वीडियो के पार्ट और आने वाले हैं। अब जो इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं, मैंने पहले भी बता दिया आपको, जो गूगल ड्राइव का लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज तक जितने भी मेरे PDF के लेक्चर हुए हैं, सॉरी GS के लेक्चर हुए हैं, उनके PDF आपको उस लिंक पर मिल जाएंगे, और आने वाले भी जितने लेक्चर होंगे मेरे उनकी PDF होगी जो आपको इसी लिंक पर मिला करेगी। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आने वाले वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर मैं शुरू करने जा रहा हूँ 1000 सीरीज़ का, वो है आपका इंडियन पॉलिटी, और उसमें भी मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।